वेलकम टू विजय गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। मैं आज आपके सामने 31 अक्टूबर जो प्लेट एग्जाम का ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके मैं क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले आपके सामने जूनियर डिवीजन के रीजनिंग के क्वेश्चन। देखिए रीजनिंग में सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, ये एक रिलेशन वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था वो ये था कि उसने ये कहा था आपसे कि इफ आइस इज रिलेटेड टू वाटर देन सॉलिड का संबंध किससे होगा। अर्थात ये कहा गया था कि यदि बर्फ का संबंध पानी से है तो बताइए ठोस का संबंध किससे होगा। देखिए आपके सामने दिया गया था, इसमें पहला ऑप्शन था आपके सामने लिक्विड, फिर था सॉल्यूशन, फिर था मैटर, फिर था सब्सटेंस, अर्थात तरल, विलयन, द्रव्य और पदार्थ। तो बताइए यहाँ पर यदि सॉलिड्स का संबंध पूछा है, किसका संबंध पूछा है, उसने बोला आपके सामने कि सॉलिड का रिलेशन क्या होगा। तो यदि आपका आइस वाटर से रिलेटेड था, आइस भी तो सॉलिड है ना, आइस भी सॉलिड है, तो आइस को पिघलाओगे तो क्या बनेगा, वाटर बनेगा ना, वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी प्रकार ऐसा सोचिए कि सॉलिड को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा। अच्छा सॉलिड को पिघलाएंगे तो पॉसिबिलिटी ये है कि क्या बनेगा, वो लिक्विड बनेगा। सॉलिड से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। अच्छा आप कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन क्यों नहीं बनेगा। देखिए सॉल्यूशन तो क्या होता है, मिक्सचर होता है। दो सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके सामने, मिक्सचर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने सॉलिड को पिघलाने पर क्या आएगा, लिक्विड बनेगा। ये पॉसिबिलिटी सही है, सॉलिड को पिघलाने पर सॉल्यूशन बने ये जरूरी नहीं है, विलयन बने ये जरूरी नहीं है। चलिए अब हम इस आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को गिनने से नंबर ऑफ ट्रायंगल। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था किस प्रकार, मैं आपके सामने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनाने जा रहा हूँ। इस प्रकार आपके सामने ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ था, ये था ऐसा, और उसके बाद देखिए मैं अभी आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे हम। ये ऐसे, फिर ये ऐसे, एंड देन ऐसे। अच्छा तो ये था अपने को गिनने से नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या। जब कभी भी हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल गिनने होंगे तो हम क्या करेंगे, हम हर वर्टाइसेस को कोई नाम दे देंगे। तो मैं दे रहा हूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। चलिए सारे के सारे हो गए, आई थिंक सारे के सारे कंप्लीट वर्टाइसेस कंप्लीट हो गए हैं। ये भी कंप्लीट, 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 ये भी कंप्लीट। चलिए अब हम गिनेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। सबसे पहले देखिए पहला ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ आपके सामने ए बी ई, दिखा आपको ए बी ई, इसी ए बी ई में दो ट्रायंगल है। तो देखिए कौन कौन सी ए बी ई में दो ट्रायंगल, एक है आपके सामने ए बी एच और दूसरा कौन सा है ए एच ई। चलिए ये हो गया आपके सामने थ्री ट्रायंगल्स। अब देखिएगा मैं बी ई डी सी में देखता हूँ कौन कौन सी मिल जाएंगे आपको। ये जो आपके सामने रेक्टेंगल दिया हुआ है बी ई डी सी में, तो सबसे पहले आपके सामने मिलेगा बी ई सी, कौन सा बी ई सी। उसके बाद कौन सा मिलेगा आपके सामने बी एफ एच, बी एफ एच। फिर उसके बाद आपके सामने देखिए कौन सा है ई सी डी, ई सी डी, ओके। फिर देखिए जी आई एफ है, जी आई एफ, अगला ट्रायंगल आपके सामने कौन सा है जी आई एफ, ओके। अब देखिए यहाँ पर आई थिंक सारे हो गए हैं, नहीं हुए, बी जी ई भी बचा हुआ है, कौन सा बी जी ई भी बचा हुआ है, और देखिए सी जी एफ बचा हुआ है, सी जी एफ। तो ये रहे आपके सामने बी ई डी एफ। आई थिंक यदि कुछ छूट भी गए होंगे तो बाद में अपने को अपने आप देते हैं। देखिए बी ई सी हो चुका है, ई डी ई सी डी हुआ, ई सी डी यस वो भी हो चुका है आपके सामने। चलिए और आई थिंक बी जी एक और बचा आपके सामने बी जी एंड सी, ओके। तो ये आपके सामने ये हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मैं इस ट्रायंगल और इसमें मिलकर जो बन रहे हैं आपके सामने वो देखूंगा। तो आपके सामने सबसे पहले बनेगा ए बी एफ, कौन सा ए बी एफ। उसके बाद कौन सा बनेगा ए ई, ए ई माफ करिएगा ए बी एफ बन गया है, दूसरा बनेगा ए ई आई और कौन सा बनेगा ए ई आई। चलिए अब देखते हैं आपके सामने कोई छूटा तो नहीं, हमने ये वाला ढूंढ लिया था ए ई एस लिख लिया था हमने, बाकी दिया था एच ई आई लिख दिया था। देखिए एच ई आई लिखा कहीं हमने,
सामने ट्रायंगल है, ये देखिए एच ई आई, ठीक है। और देखते हैं क्या हमने आई सी एफ लिखा, आई सी एफ आई थिंक नहीं लिखा, ये देखिए आई सी एफ, ये भी है तो एक ट्रायंगल है ना, चलिए लिख लेते हैं आई सी एफ, ओके ये भी मिल गया अपने को। क्या हमने जी आई एफ लिखा, हाँ लिख लिया है, बी जी एफ लिखा है, हाँ लिख लिया है, और हमने क्या एच एफ बी लिखा, बी एच एफ लिखा, हाँ वो भी लिख लिया है, ये क्या लिखा है देखिए बी एफ एच है, और देखिए देखते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 ऑप्शन में है क्या, 14 हाँ है, लेकिन देखते हैं शायद कहीं और भी तो नहीं, कोई छूट तो नहीं रह पाया कोई भी ट्रायंगल, यहाँ पर देखिए बी एच एफ हाँ वो भी हो चुका है, जी एच एफ हो चुका है, जी सी एफ ये भी हो चुका है, ओके उसके बाद आपके सामने हाँ देखिए आपके सामने और कौन सा बचा हुआ है, आई थिंक 14 हो गए थे, एक बार फिर देख लेते हैं इस बार पूरे स्क्वायर में, आई थिंक आपके सामने बी जी सी हो चुका है, हाँ हो चुका है आपके सामने, जी आई एफ हो चुका है, ठीक है, बी एफ एच हो चुका है, और आई थिंक बी एफ सी, देखिए बी एफ सी हुआ क्या, बी एफ सी नहीं हुआ, तो आपके सामने एक और हो जाएगा बी एफ सी, ओके सारी पॉसिबिलिटी खत्म। देखिए मैक्सिमम कितना आ गया, ऑप्शन 15 था, हमने मैक्सिमम 15 फाइंड आउट भी कर लिए, अर्थात यहाँ पर कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल छिपे हैं इसके अंदर, आपके सामने कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल छिपे हैं इसमें, 15 ट्रायंगल छिपे हुए हैं, तो ये था आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। हाँ आपके सामने सीनियर डिवीजन में भी नंबर ऑफ ट्रायंगल वाला क्वेश्चन आया था, चाहे तो आप वीडियो सॉल्यूशन में जाके देख सकते हैं या फिर किसी से पेपर मांग के देख सकते हैं, ठीक है, ओके। तो इस तरह हम नंबर ऑफ ट्रायंगल वाले क्वेश्चन करते हैं, जब कभी आपको सिमेट्री दिखेगी तो सिमेट्री से दिया था, इस क्वेश्चन में हमें सिमेट्री नहीं थी इसलिए वो सारे लिखने पड़े, यदि इस क्वेश्चन में सिमेट्री दी होती तो मैं आपको एक दो तीन चार लिख के सारे बता देता, कभी कभी सिमेट्री क्वेश्चन में आ जाती है, कभी कभी नहीं आती है, ओके। चलिए अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखिए अभी मैं बात कर रहा था सिमेट्रिसिटी वाले की, तो हमारा क्वेश्चन ही अपने सामने सिमेट्रिसिटी वाला है, देखिएगा मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ ही निकालूंगा और बाकी अपने आप निकल जाएंगे, इसमें क्या बोला है कि नंबर ऑफ ट्रायंगल और नंबर ऑफ स्क्वायर निकालिए, मतलब त्रिभुज और वर्ग की संख्याएं कितनी होगी, देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा ये एक पूरा स्क्वायर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये पूरा स्क्वायर है और अंदर भी एक स्क्वायर है, अर्थात पूरा एक वर्ग है और अंदर भी एक वर्ग है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं कितने इसमें स्क्वायर होंगे, तो पूरा एक स्क्वायर बड़ा वाला स्क्वायर, ये देखिए 1 लिख रहा हूँ, ये जो 1 है वो बड़ा वाला स्क्वायर है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2, 2 जो है वो छोटा वाला स्क्वायर है, दो स्क्वायर दिख गए आपको, एक ये बड़ा वाला वर्ग और ये छोटा वाला वर्ग, दो स्क्वायर दिखे, और देखिएगा मैं इसके अंदर देख रहा हूँ, नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी, तो देखिए मैं इसके अंदर देखता हूँ, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर होगा और एक छोटा स्क्वायर ये होगा, इसका मतलब इसके अंदर कितने हैं स्क्वायर है, इसके इसके इस डब्बे के अंदर कितने स्क्वायर है, यदि मान लीजिए पूरा एक पूरा स्क्वायर था, इसको यदि मैं ऐसे 200 में काट दूंगा एक हिस्सा ये, और इससे 400 कट जाएगा ना, 400 में काटा 4 नए स्क्वायर बनेंगे, 4 बराबर हिस्सों में काटूंगा, तो इस प्रकार देखिए इस छोटे वाले के अंदर कितने स्क्वायर हो जाएंगे, 2 स्क्वायर हो जाएंगे, ऐसे कितने हैं 1 2 3 4 है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, तो क्या हो जाएगा 8, इसका मतलब एक तो ये हो गए, 2 ये हो गए और आपके सामने 8 ये हो गए, तो चलिए यहाँ पे इसको बंद लिख लीजिए, ये कौन सा वन था, ये बड़ा वाला था, ये छोटा वाला था, पूरे पूरे के पूरा पूरा ये पूरा बड़ा वन और पूरा छोटा 2, ये पूरा वाला पूरा छोटा वाला ये, तो आपके सामने 2 ये हो गए और 8 ये हो गए, तो कितने स्क्वायर हो गए आपके सामने टोटल, आपके सामने के स्क्वायर की संख्या कितनी हो गई, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या हो गई टोटल 10 के बराबर। चलिए अब हमें गिनना है इसमें त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, इसका मतलब ट्रायंगल की संख्या कितनी होगी, चलिए एक वक्त के लिए हम यहाँ पे नंबरिंग करते हैं, सॉरी मार्क कर लेते हैं, इसके वर्टाइसेस के नाम देते हैं, ए बी सी डी, इसको दिया मैंने ई, इसको दिया एफ, इसको दिया एच, इसको दिया आई, ई एफ जी सॉरी इसको दिया एच, इसको दिया आई, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से गौर से देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, अच्छा ऐसे कितने हैं,
ऐसे कितने हैं ए बी सी की तरह कितने हैं? चार है, देखिए मैं दिखाता हूँ चार कैसे हैं। ए बी सी पहला, फिर बी डी सी दूसरा, फिर ए सी डी तीसरा, चौथा कौन सा? ए बी डी। देखिए चार तो कौन कौन सी, मैं लिख देता हूँ चार को, हो सकता है आपको दिख ना रहा हो तो मैं लिख देता हूँ। ए बी सी हो जाएगा और आपके सामने दूसरा हो जाएगा बी सी डी हो जाएगा, तीसरा वाला हो जाएगा ए सी डी एंड चौथा वाला क्या हो जाएगा ए बी डी। जिसको दिख गए हैं वो ऐसे लिख के सॉल्व करें, जिसको नहीं दिखते तो पूरे लिख सकता है। लेकिन सही तरीका यह है कि आप जब कभी भी क्वेश्चन में सिमेट्री दिख रही होगी, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करने को कहता है, आप इस तरह के क्वेश्चन को करेंगे। ए बी सी ट्रायंगल लिखा मैंने, ए बी सी लिखा, ऐसे कितने दिख रहे हैं? चार से मल्टीप्लाई कर दो। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, मैं लिख रहा हूँ ट्रायंगल ए आई बी, ए आई बी। अच्छा ऐसे कितने हैं? ऐसे चार हैं, दिखे कि नहीं दिखे आपको? देखिए एक आई बी, ऐसे चार कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा ए आई बी, फिर ए आई डी, फिर डी आई सी, फिर बी आई सी। दिखे आपको ऐसे चार दिख गए। अब देखिए अगले देखते हैं, अगले आपके सामने आ जाएंगे ए आई एच, ए आई एच, ऐसे कितने हैं? आठ हैं। देखिए एक ये हो जाएगा, दो इसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवा ये, सातवा ये, आठवा ये, दिखे कि नहीं दिखे? तो देखिए ये हमने निकाल लिए ट्रायंगल्स, और ध्यान दीजिएगा ये जो ट्रायंगल्स आए हैं वो बड़े वाले स्क्वायर के करस्पॉन्डिंग आए हैं, बड़े वाले वर्ग के अनुकूल आए हैं। देखिए बड़े वाला वर्ग कौन सा था? ए बी सी डी। इसके कितने आ गए? देखिए आठ ये हो जाएंगे, चार ये हो जाएंगे, चार ये हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे बारह। अच्छा यदि देखिए यहाँ पर टोटल कितने हो गए? बारह। तो बारह तो हो गए बड़े वाले के अनुसार, अब फिर छोटे वाले के अनुसार भी तो फिर बारह होंगे ना, छोटे वाले स्क्वायर के अनुसार। तो यहाँ से क्या कर देंगे? बारह हम जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा ये? चौबीस। अच्छा चौबीस दिया क्या? नहीं दिया, इसका मतलब हमसे कोई ना कोई छूट रहा है। तो देखिए कौन सा छूट रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। हमने ए आई डी लिख लिया है, ई आई डी लिख लिया है, और हमने ई आई डी ई लिख दिया, से लिए हम छोटे छोटे लिख सकें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये हो चुके हैं इस तरह के, चार 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 हो चुके। हाँ देखिए कौन सा छूट रहा है, देखिए आपके सामने यहाँ पे कोई भी नहीं छूट रहे हैं एक्चुअली में, हमने सब प्लस ही गलत कर दिया है। ये चार चार आठ आठ, यहाँ पे कितना आएगा? सोलह आएगा, और ये कितना आएगा? सिक्सटीन आएगा, इसका मतलब थर्टी टू। देखिए आपके सामने क्या आ गया यहाँ पे? थर्टी टू। अगर माफ कीजिएगा मैंने वहाँ पे एडिशन ही गलत कर दिया था, इस तरह से मुझे कन्फ्यूजन पड़ गया। तो आपके सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा? थर्टी टू आ जाएगा। ठीक है अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, सिमेट्रिसिटी का इस्तेमाल किया। मैंने आपको आपको बताया था ना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं तो हमें सिमेट्रिसिटी देखनी पड़ती है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है? मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है। क्या होता है मिरर इमेज वाले क्वेश्चन में? देखिए आपके सामने क्वेश्चन ये दिया हुआ था, ठीक है, अब आपने कहा गया था कि इसका मिरर इमेज निकालिए। कभी भी मिरर इमेज निकालना होता है तो याद रखिएगा हमेशा सामने मिरर रखा जाता है, हमेशा सामने से मिरर रख के देखा जाता है। यदि हम इसको सामने से मिरर रख के देख रहे हैं, इसका मतलब मिरर साइड से पकड़िए, ध्यान दीजिएगा इधर साइड से पकड़ी, उठा के ऐसे रख दीजिए। यदि मैं उसको उठा के ऐसे रखूंगा, आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन सबसे बन गया होगा। मैं क्या करूंगा यार, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया, देखिए ये इधर साइड था, अब ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ये सामने था, इस बार ये क्या हो जाएगा? सामने ही रहेगा, क्योंकि ये सामने था, इस बार ये ऐसा हो जाएगा। ओके इसके सामने रहेगा, इसका मतलब ये इसके अनुसार क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और देखिएगा इसको ऐसे जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये मुड़ा आगे आगे साइड था, इस बार ये इस साइड से आगे रहेगा। ओके और ये ऐसा रहेगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा आपके सामने? ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए मिरर इमेज के क्वेश्चन इस प्रकार से किए जाते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने वाटर इमेज का है। वाटर इमेज के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना होता है? जब कभी भी वाटर इमेज का क्वेश्चन करना होगा तो आप हमेशा नीचे रख देंगे एक मिरर, कभी कभी वाटर इमेज का क्वेश्चन करना होगा नीचे मिरर रख देंगे और उसको उठा के इस प्रकार रख देंगे, आपको वाटर इमेज के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। क्या करना है आपको मिरर इमेज के क्वेश्चन में? हमेशा सामने मिरर रख देना है, सामने प्रतिबिंब बनानी है, और वाटर इमेज के क्वेश्चन में जब प्रतिबिंब निकालने के केस में आपको क्या करना है?
कि आपको नीचे साइड एक मिरर रख देना है। जब कभी भी वाटर इमेज निकालूंगा, पानी हमेशा नीचे होता है ना और मिरर सामने होता है, ठीक है। इस प्रकार आप वाटर इमेज निकाल सकते हैं और मिरर इमेज भी निकाल सकते हैं। तो क्या क्या मैंने बताया, वाटर इमेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, हमें नीचे मिरर रखना होगा और मिरर इमेज निकालने के लिए हमें सामने इमेज रखना है, सामने मिरर रखना होगा। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो ये सिंपल क्वेश्चन था वो देखिए आपके सामने लिखा हुआ था कुछ इस प्रकार, आई थिंक ऐसा था ना, और पूछा था करेक्ट अल्टरनेटिव कौन सा, इनमें से सही कौन सा। तो आपको उस क्वेश्चन में बहुत ही साधारण तरीके से क्या दिमाग रखना था, अरे करना क्या था इस क्वेश्चन में, आपको आपके सामने दिया हुआ था इस प्रकार और आपको चूज करना था इनमें से सही कौन सा है। जैसे ये आप ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यदि आपने देखा होगा तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया होगा कुछ इस प्रकार, और ऑप्शन नंबर सी आपने देखा होगा तो वहाँ इस प्रकार दिया होगा, और ऑप्शन नंबर डी आपने देखा होगा तो ऑप्शन नंबर डी में आपके सामने दिया होगा इस प्रकार। अच्छा, चारों ऑप्शन देखिए आपको क्या लगता है, इसमें देखिए इसमें लाइन खींची हुई है इसके साथ, इसमें लाइन खींची हुई है, इसमें लाइन खींची हुई, इसमें लाइन खींची हुई, इसमें नहीं खींची हुई है, इसका मतलब ये ऑप्शन होगा। ये हमसे कहना क्या चाहता है, ऑड वन निकाल लो, इनमें से अलग कौन सा है, कहना क्या मतलब इसका यही थे ना, करेक्ट अल्टरनेटिव निकालना था। तो देखिए हो सकता था कि आपके सभी तीन डायग्राम में एस के साथ लाइन ना दे, एक में दे दे, तो निकालना वो निकालना पड़ जाए। यहाँ पर उसने क्या किया, एस के डायग्राम के साथ तीन में लाइन दे दी और एक में नहीं दी, तो उनको वो निकालना पड़ गया, ठीक है। ये भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन था। अब देखिए आगे बढ़ते हैं डाइस वाला क्वेश्चन। देखिए आपको डाइस में हमेशा याद रखना है कि जब कभी भी डाइस का क्वेश्चन आएगा आपको क्या ध्यान रखना है, डाइस वाले क्वेश्चन में याद रखना है आपको कि हमेशा अपोजिट नंबर्स का सम कितना होता है, 7 होता है। अपोजिट नंबर का सम कितना होता है, 7 होता है। इसका मतलब 6 के अपोजिट क्या होगा, 1 होगा। इसका मतलब कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। 2 के अपोजिट क्या होगा, माफ कीजिएगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 होगा। एंड ऐसा ही होता है, ठीक है। आपके पूरे नंबर होगा ऐसे 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपके सामने 6 का अपोजिट 1 होता है, 3 का अपोजिट 4 होता है, 2 का अपोजिट 5 होता है। तो आपके सामने आपके क्वेश्चन में क्या बोला था, विच नंबर इज अपोजिट टू द स्टैंडर्ड डाई। चलिए मतलब आपके सामने कौन सा नंबर दिया हुआ, 3 दिया हुआ था ना पेपर में, मतलब 3 का अपोजिट बोला, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो ये था डाइस वाले क्वेश्चन। आपको डाइस वाले क्वेश्चन में क्या बात याद रखनी है कि अपोजिट नंबर की जो समेशन होता है वो किसके बराबर होता है, 7 के बराबर होता है। अब देखिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा था, इफ 11 इज रिप्रेजेंटेड एज 1331 देन हाउ 12 इज रिप्रेजेंटेड। यदि 11 को 1331 के रूप में दर्शाया जाता है तो 12 को किस रूप में दर्शाया जाएगा। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए अपने को यहाँ पर कोई हिंट ढूंढना था। हिंट कैसे ढूंढेंगे, देखिए अब यदि आपको ध्यान हो, दिमाग में आप दौड़ लगा सकते हैं, तो आप प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन हमेशा ऐसे करा करिए। मान लीजिए ये एक्स है, मान लीजिए ये एक्स है, ठीक है। 11 upon 1331 बराबर 12 upon x। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी, या यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ पे अपने क्या लगाना है, एक्चुअली में अपने को माइंड लगाना है। वो कैसा माइंड लगाना है, देखिए आप 11 का क्यूब, या आपको इस जिसे के मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद होना चाहिए था कि 11 का क्यूब क्या होता है। आप जब 11 का क्यूब करते हैं, इसका मतलब 11 की पावर 3 करते हैं, तो 11 को 3 बार मल्टीप्लाई भी तो करते हैं। अच्छा, जब हम 11 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1331। आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 11 11 का कितना होता है, 121, ये तो पता ही होगा। फिर 11 से मल्टीप्लाई कर दो 121 एंड 1 1 2 1, यहाँ से क्या जाएगा 1 3 3 1। इसका मतलब हमसे पूछा था उसने कि 12 का क्यूब क्या होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछता कि यहाँ पर आप क्या लिखोगे, 12 का क्यूब लिखोगे। तो बताइए 12 का क्यूब क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 12 का क्यूब क्या होता है। आपका 12 नंबर का क्यूब होता है 1728, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से, 1728 इज द क्यूब ऑफ 12। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1728। ये भी था ना बहुत आसान क्वेश्चन, देख रहे हैं। देखिए बेसिकली रीजनिंग के जो भी जितने भी आपके क्वेश्चन दिए थे हमने, वो तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन दिए थे।
कोई भी टफ क्वेश्चन अभी तक आपके सामने नहीं आया। हाँ, वो जो आपका सेकंड नंबर ट्रायंगल वाला क्वेश्चन था वो लिटिल टफ था, तो इसमें कोई भी सिमेट्री नहीं थी। थर्ड वाला आसान था, तो इसमें सिमेट्री थी। चलिए अब आपने नेक्स्ट पढ़ते हैं। आपने पास दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में कि आर अर्न मोर देन एच। आर जो है, आर एक आदमी है जिसका नाम आर है, वो एच से ज़्यादा कमाता है। मान लेते हैं इस प्रकार कमाई का ऑर्डर है, इधर वाले लोग जो है वो कम कमा रहे हैं, इधर वाले लोग ज़्यादा कमा रहे हैं, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या दिया हुआ है, आर एच से ज़्यादा कमाता है, नॉट बट नॉट एज मच एज टी, मतलब टी से कम कमाता है। चलिए ये भी सही है। फिर लिखा हुआ है एम अर्न मोर देन आर। एम जो है वो आर से ज़्यादा कमाता है, इसका मतलब ये है कि आर से ज़्यादा कौन कौन कमा रहा है, टी कमा रहा है और टी को कमा रहा है, और कौन कमा रहा है, एम कमा रहा है। तो आर से कम कौन कमा रहा है, एच कमा रहा है। तो सबसे कम कौन यहाँ पे अर्न कर रहा है, सबसे कम अर्न कर रहा है एच। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे कम कौन कमा रहा है, तो आपके सामने हाँ आंसर जो आ रहा है, सबसे कम कौन कमा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे कम कमा रहा है एच, क्योंकि आर से ज़्यादा एम है, आर से ज़्यादा टी है, इसका मतलब टी और एम दोनों ही आर से ज़्यादा हैं। अच्छा, तो आर से कम कौन है, एच है, इसका मतलब लीस्ट वाला कौन जाएगा आपके सामने, एच। हु इज अर्निंग लीस्ट हियर, तो आपके सामने सबसे कम इस क्वेश्चन में कौन कमा रहा है, एच इज अर्निंग लीस्ट। देखिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मैन, उसने बोला एक आदमी, लेट्स सपोज दिस इज अ आदमी, मान लेते हैं, मान लीजिए डायग्राम का खराब है, चलिए आदमी जब कुछ बना देते हैं, ये रहा आपका आदमी, ओके। अब देखिए अ मैन वॉक 9 किलोमीटर ड्यू ईस्ट। वो बोला कि मैन जो है 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर जाती है, जाता है, मतलब मैन यहाँ से यहाँ गया 9 किलोमीटर ईस्ट की ओर गया, ठीक है। फिर बोला है 12 किलोमीटर ड्यू साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, साउथ नीचे होता है ना हमारे इंडिया के मैप में, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है, तो पता है ना आपको। ईस्ट की 9 किलोमीटर वो ईस्ट की ओर गया, फिर वो गया 12 किलोमीटर साउथ की ओर। पहले आदमी यहाँ पर था, अब आदमी यहाँ पहुँच गया है, ठीक है। हमसे पूछा है कि वो अपनी स्टार्टिंग पोजिशन से कितना दूरी पर है। ओह, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। देखिए जब यहाँ पे मुड़ता है तो 90 डिग्री के एंगल में मुड़ता है, हमको ये डिस्टेंस निकालना है, हमें क्या निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। लगा दीजिए, देखिए देखिए 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, मान लेते हैं जो डिस्टेंस है वो डी है, यहाँ से क्या हो जाएगा डी का स्क्वायर। अच्छा, 9 का स्क्वायर होता है 81, 16 का स्क्वायर 250, 6 डी का स्क्वायर ऐड कर दीजिए दोनों को, ये हो जाएगा 8, 85 आपका हो जाएगा 3 होगा ना, और यहाँ पे हो जाएगा दिस इज, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, यहाँ से डी बराबर क्या जाएगा, डी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 338। सॉरी, यहाँ पर आपके सामने 16 नहीं है, ये तो आपने 12 दिया हुआ है, प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा, यहाँ पे आपके सामने 12 किलोमीटर दिया, मैंने 30 से क्या लिख दिया था, 16 नहीं दिया था। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अच्छा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, एंड दिस इज अ, यदि आप इसको ऐड करेंगे 225, डी का स्क्वायर 225 है, इसका मतलब डी बराबर क्या हो जाएगा 15, इसका मतलब ये दूरी कितनी हो जाएगी 15 किलोमीटर। ये भी बहुत ही बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, अब तक आपका कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं था, रीजनिंग के अब तक के आपके सारे के सारे क्वेश्चन वेरी 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 सिंपल हैं, अभी तक किसी भी क्वेश्चन में टफनेस लेवल नहीं आई है। देखिए अभी हम तक हमने कर लिया है क्वेश्चन नंबर 10 तक। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था, कोड वाला क्वेश्चन था, कोड वाले क्वेश्चन में देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कोड वाले क्वेश्चन करने के लिए हमेशा आप जब कभी भी ABCD के कोडिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, आपका मेन पहला काम क्या होगा, पहला काम आपका ये होगा कि आप क्या करेंगे, ABCD लिख लेंगे। अच्छा, हम ABCD लिखनी पड़ेगी, हाँ ABCD लिख लेंगे, तो आप लिख लेंगे ना, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा ABCD से जब तक हमने लिख लिया। देखिए आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके क्वेश्चन में दिया है कि जापान को JAPAN, जापान उसने कोड करके दिखाया है, ये देखिए क्या करके दिखाया है, क्या कोडिंग दी उसने जापान की, उसने जापान की कोडिंग दी है KCSES। अच्छा, जापान की कोडिंग दी है। देखिए हम यहाँ पे समझते हैं कि इस कोड में ये कोड कहना क्या चाहता है, इसमें क्या ट्रिक छुपी हुई है। देखिए हर कोड में एक ट्रिक छुपी हुई होती है, और वो ट्रिक हमें दूसरे वाले में लगानी होती है, और फिर आंसर लाना होता है। देखिए यहाँ पे लिखा है J,
फिर लिखा हुआ के। अरे तो जे के बाद के आता है, हाँ चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर लिखा है ए, फिर लिखा है सी, ए के बाद तो सी नहीं आता, लेकिन हाँ ए के ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। मतलब ये है कि ए में यदि प्लस वन कर देंगे तो सी आएगा, ठीक है। पी है फिर एस दी है, ए पी के बाद तो एस नहीं आता, लेकिन क्यू आर एस मतलब ये है कि पी में टू प्लस करने पर ऐसा आता है। अरे कोड तुमको समझ में आ गया? कैसे समझ में आ गया कि देखिए जापान के बाद क्या आता है कि जब हम जीरो ऐड करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि यदि हम ऐड कर देते हैं ए में प्लस वन का, ए फिर बी फिर सी, देखिए क्या आता है ए फिर बी फिर सी, ए में प्लस वन ऐड करने पर सी आता है ना। फिर उसने बोला कि पी में क्या ऐड कर दो आप, टू ऐड कर दो, प्लस टू ऐड कर दो। अच्छा पी प्लस टू ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब पी क्यू आर एस दो लेटर्स का गैप हो जाएगा। यहाँ से पी के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ से ऐसा आ जाएगा। फिर देखिए ए में यहाँ पे ए लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है ई, मतलब यहाँ पर थ्री नंबर जोड़ रहा है। देखिए जोड़ते हैं, यहाँ पर उसने पी के बाद क्या जोड़ा, ऐसा आ गया ए। अच्छा ए बी सी डी ई, हाँ बिल्कुल सही है। यहाँ पर तीन अंक आप जोड़ देंगे, ए में थ्री जोड़ देंगे तो आपके सामने क्या आएगा, तीन लेटर्स का गैप करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको थ्री लेटर्स का गैप करना पड़ेगा। अच्छा अब यहाँ मतलब यहाँ पे फोर लेटर गैप करना पड़ेगा, तो चेक कर लेते हैं, यहाँ पे फोर लेटर गैप हुआ तो हमारा कोड बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एन आता है, फिर एम आता है, एन एम एन ओ पी क्यू, ठीक है। यहाँ पे देखिए एन से आपका फाइव लेटर गैप होना चाहिए, देखिए क्या आएगा, एन एम एन ओ पी क्यू आर एस, वन टू थ्री फोर फाइव। देखिए आपके सामने यहाँ पर किसका कितने लेटर का गैप आ रहा है, यहाँ पर आपके सामने फाइव लेटर का गैप आ रहा है। इसका मतलब ये है, माफ कीजिएगा यहाँ पर फोर लेटर गैप आना चाहिए, कोई गड़बड़ तो नहीं हो गई, देखते हैं एक बार कोई गड़बड़ तो नहीं है अपने सामने। यहाँ पर आपके सामने क्या आना चाहिए था, फोर लेटर गैप आना चाहिए था। अच्छा एम एन ओ पी क्यू आर एस कुछ तो आ रहा है, क्या उन्होंने गलती कर दी थी, नहीं शायद नहीं की थी। देखिए यहाँ पे फोर लेटर गैप आ रहा है, हाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये कोड सही है। इस कोड में क्या क्या रहा है, पहले लेटर में जब आप पहला कोड लिखोगे, पहले लेटर का कोड लिखोगे तो कोई भी गैप नहीं करोगे, उसके जस्ट बाद वाले लेटर को लिख दोगे। फिर दूसरे लेटर का जब कोड लिखोगे आपको प्लस वन करने के कोड लिखना पड़ेगा, फिर तीसरे लेटर कोड लिखोगे प्लस टू करके कोड लिखना पड़ेगा। इस हिसाब से जो अपने से क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा है चलिए वो देखते हैं। क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है, आपको बताना है कैसर का कोड क्या होगा, कासर K A S T L E, this is the कासर, कासर का कोड पूछा है। उसी के बाद क्या है D, अच्छा A में आपको प्लस वन भी करना है तो A फिर B फिर C आना चाहिए। अच्छा फिर S से S पे अगर आप S से क्या करोगे, प्लस थ्री कर दोगे। फिर T S S में क्या करोगे, तीन लेटर गैप रखोगे, T में क्या रखोगे, फोर लेटर का गैप। L में क्या रखोगे, फाइव लेटर गैप। E में क्या रखोगे, सिक्स लेटर गैप। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये था आपके सामने फर्स्ट कोड वाला क्वेश्चन। अच्छा ठीक है आपको सॉल्व में आ गया, आप क्या करेंगे, हमेशा कोड वाले क्वेश्चन करने के लिए ए बी सी डी लिखेंगे, उसके बाद एनालाइज करेंगे कि क्या कोई डिफरेंस वाले तो नहीं है, कोई समीशन वाले तो नहीं है, क्या लेटर्स गैप करके बोल रहा है कि आपको रिवर्स ऑर्डर में बोल रहा है। इस प्रकार आप कोड वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी है, वो भी क्या है आपके सामने, कोड वाला क्वेश्चन है। क्या करना होता है, सबसे पहले अपने को ए बी सी डी लिखनी होती है, तो लिखते क्या लिखते हैं, ए बी सी डी F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ओके हमने सारे लेटर लिख लिए। अच्छा अपने को दिया हुआ है ऑक्स का कोड बराबर O X का कोड बराबर 39, और अपने को ऑक्स का कोड दिया हुआ है क्या, हाँ अपने को ऑक्स का कोड दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से देखिए आपके सामने यहाँ पर ए लिखा हुआ है, सॉरी ओ है और फिर एक्स है। देखिए ओ की का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओ का क्या है आपके सामने आई थिंक 15, ठीक। और एक्स का क्या है आपके सामने 24, लीजिएगा एक्स जो है 24 पोजीशन पर है, और
आपके सामने हो क्या है 15 पोजीशन है, दोनों को ऐड करिए 39। अच्छा ये तो बहुत सिंपल हो गया। सिंपल क्या हो गया, देखिए अपने से कहा है उसने कि जो भी नंबर है उसका, जो भी लेटर है उसका स्थान लिखिए, उसका नंबर लिखिए, तो इनको ऐड कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि लॉयन में भी यही करना होगा, लॉयन में भी यही करना होगा ना, अपने को एल का स्थान लिखना होगा, आई का, ओ का, एन का, और सभी को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। चलिए लिखते हैं यहाँ पर एल किस पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एल जो है वो 12 पोजीशन पर है। अब देखिए आई किस पोजीशन पर है, आई देख लेते हैं, आई जो है वो 9 पोजीशन पर है। चलिए ओ किस पोजीशन पर है, वो अभी हमने निकाला था 15 पोजीशन पर होता है। एन किस पोजीशन पर होगा, एन होगा 14 पोजीशन पर। आप इन सब अवॉइड करके एंड यू विल गेट द आंसर। दिस इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए अपना जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको उसको कुछ नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए हिंट क्या दे रहा हूँ मैं आपके सामने, आपको बोला है अरेंज द गिवन वर्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के ऑर्डर में आप क्या करेंगे, अरे वर्ड को अरेंज करेंगे। डिक्शनरी देखते आती सब लोग, देखिए पहला दिया हुआ है शाइन, सॉलिड, शीन, सिंपल। क्या क्या दिया हुआ आपके सामने, शाइन, सॉलिड, शीन, सिंपल। आप इसको डिक्शनरी के ऑर्डर में अरेंज करना है। देखिए आपका इसका आंसर क्या है वो मैं जरूर आपको बताता हूँ, कौन सा नंबर इसका आंसर सही होगा। तो देखिए आपके सामने क्या आंसर, देखिए मैं 2 मिनट लगेगा मुझे बताने में, मुझे भी क्योंकि अभी तुरंत सॉल्व करना पड़ेगा आपके सामने। हाँ तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा आपके सामने बी ऑप्शन सही होगा, 3142। 3142 इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। ओके तो आपको इस प्रकार इसको कर सकते हैं, मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पर क्या है इसका ऑर्डर, 3142 डिक्शनरी के ऑर्डर में इसको अरेंज करना था, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। देखिए आपके सामने कुछ इस प्रकार की चीज़ें दी हुई थी, आई थिंक ऐसा था क्या कुछ, हाँ कुछ ऐसा ही था लगभग, यहाँ पे ऐसे लाइन बनी हुई थी। चलिए आपके सामने यहाँ पर दिया क्या था, दिया ऐसा, देखिए यहाँ पर दिया था 4, 3 और 1 25। ओके फिर आपके सामने यहाँ पर दिया हुआ था 2, ये दिया था 7 और ये दिया हुआ था आई थिंक 53। ओके अच्छा हम समझते हैं कि यहाँ पर कहना कैसा है, लिखा 4 है, लिखा 3 है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है। इसका मतलब देखते हैं, देखिए 4 का स्क्वायर क्या आता है, 4 का स्क्वायर आता है 16, 3 का स्क्वायर क्या आता है 9, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, दोनों को जोड़िए कितना आएगा, जोड़ने पर 25 आएगा ना। अच्छा यहाँ तो 25 लिखा हुआ है, अच्छी बात है। इसका मतलब यह है इसका स्क्वायर करने पर क्या आएगा 4, इसका स्क्वायर करने पर आएगा 49, दोनों को जोड़ देंगे कितना आएगा 53। अरे वाह, इसका मतलब ये है जो अपने सामने तीसरा कंडीशन दी हुई, क्या लिखा हुआ है 5 1, तीसरे में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है 5, यहाँ पर लिखा है 5, यहाँ पर लिखा है 1 और यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन मार्क है। इसका मतलब 5 का स्क्वायर करना है 25 और 1 का स्क्वायर 1, इसका मतलब आपके सामने क्या आएगा 26। तो आपके सामने इसका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होगा आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। करना क्या था हमको, पैटर्न समझना था, हमने पैटर्न समझ लिया, स्क्वायर करके देखा हाँ स्क्वायर करने के ऐड डायरेक्ट ऐड नहीं हो रहा था, मल्टीप्लाई करने पर नहीं आ रहा था, डिवीजन करने पर नहीं आ रहा था 25, तो हमने क्या किया 4 और 3 को आपस में स्क्वायर किया और ऐड कर दिया, तो आपके सामने 25 आ गया। फिर हमने 2 और 7 लिखा हुआ था उससे करस्पॉन्डिंग 53 लिखा हुआ था, मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आएगा, डिवाइड करेंगे तो 7.2 आएगा, नहीं आ रहा था हमें क्या लाना है 53 लाना है, तो हमने क्या किया स्क्वायर किया 2 स्क्वायर इक्वल टू 4, 7 स्क्वायर इक्वल टू 49, दोनों को हमने क्या कर दिया एडिशन कर दिया, एडिशन करने पर क्या आया 53। तो हमको यहाँ से पैटर्न मिल गया, तो हम यहाँ से क्या कर लिया इसको पैटर्न जब हमको मिल गया तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। देखिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो अ वेरी 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 सिंपल क्वेश्चन। वो क्यों, देखिए आपके सामने बॉक्स बने हुए थे इस प्रकार 2 2 4, मेरे ख्याल से इसको 100% बच्चों से पूछने वाला बन गया, फिर भी मैं आपके सामने इसको बता दे रहा हूँ, रख दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए आपके सामने ये लिखा हुआ था 2 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क था और इधर पे शायद ऐसे ही क्वेश्चन गया, हाँ सही था। देखिए यहाँ पे 2 लिखा है, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 9 लिखा है, 27 लिखा है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 18 लिखा हुआ है।
अच्छा 2 2 क्या होता है 4, अरे वाह तो बहुत आसान हो गया। 3 9 क्या होता है 27, हां ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखा हुआ है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आंसर लिखा हुआ है, इसका मतलब 18 कब आएगा, 18 कब आएगा, किसका मल्टीप्लाई करने पर 18 आएगा, 2 के साथ 2 का मल्टीप्लाई जब 9 से करते हैं तो 18 आता है, इसका मतलब आप क्वेश्चन मार्क कीजिएगा क्या आएगा, 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी आपके सामने करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा चलिए ये भी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन था, आई थिंक इस क्वेश्चन को 100% बच्चों ने सही किया है, जहाँ तक हमने कॉपी देखी थी 100% बच्चों ने इस क्वेश्चन को सही किया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन लिटिल मान सकते हैं कि ये एवरेज क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से लगभग 70% बच्चों से बन गया है क्वेश्चन और 30% बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे आई थिंक, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 32 एंड दिस इज 41, अपने से पूछा था कि जो नंबर्स लिखे हैं उनमें से ऑड कौन सा है गलत कौन सा है कैसे पता करेंगे। अच्छा यहाँ पर लिखा है 2, ये लिखा है 6, फिर 11, अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 4, 6 माइनस 2 क्या होता है 4, चलिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, अच्छा इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 17 माइनस 11 6, अरे वाह तो पैटर्न बन गया 4 5 6, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए 7 होना चाहिए, निकाल लेते हैं, अरे ये तो 6 आ गया, 23 माइनस 17 करें 6 आ गया, 7 होना चाहिए था, अच्छा इसका मतलब ये है या तो ये गलत है या तो ये गलत है, अच्छा ये तो गलत हो नहीं सकता, क्यों गलत नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 17 में जब हमें 11 माइनस किया तो ये 6 आया ना, तभी तो 6 आया, इसका मतलब 17 तो गलत नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ पर 23 गलत होगा, 23 के स्थान पर क्या होना चाहिए था 24 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा आपके सामने गलत। अच्छा 24 सही है कि नहीं हम चेक करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस 7 होना चाहिए, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए तो 8 आना चाहिए, मतलब 32 माइनस 24 करिए, अच्छे बात 8 आ गया, मतलब यहाँ हुआ है इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आना चाहिए 9, 41 माइनस 32 तो 9 होता है, इसका मतलब 23 बिल्कुल गलत है, यहाँ पर 23 नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था यहाँ पर 23 के स्थान पर 24 होना चाहिए था, था ना वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने शुरुआत की, मैंने डिफरेंस करके देखता गया, कुछ पैटर्न तो नहीं बन रहा, फिर पैटर्न बना तो आंसर आया, मुझे भी एक्चुअली पता ही था कैसे करते हैं, मैंने अभी तुरंत आपके सामने सॉल्व किया है, ठीक है इस प्रकार आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए आपके सामने सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन इसके लिए आपके सामने बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन है। चलिए अब आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, क्वेश्चन नंबर 17 में आपके सामने दिया था कि वी टी और क्या दिया हुआ था आर क्वेश्चन मार्क एंड क्वेश्चन मार्क, आपसे पूछा था यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या होगा, अच्छा इसको करने के लिए हम क्या करते हैं आई थिंक, अच्छा इन दोनों के बीच क्या आता है इन दोनों के बीच क्या आता है इन दोनों के बीच क्या आ सकते हैं इन दोनों के बीच क्या आ सकते हैं इन दोनों के बीच क्या आ सकता है ये देख लें क्या, चलिए हम सबसे पहले एबीसी देख लेते हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट बता दूंगा लेकिन आपको कन्फ्यूज होना, इसलिए मैं सबसे पहले याद रखें हम ए बी सी डी पूरी की पूरी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अच्छा बी दिया है टी दिया हुआ है ठीक, फिर दिया है आर फिर दिया है एन, ओहो हमको तो कुछ दिख गया, आपको दिखा कि नहीं दिखा, भी एक का डिफरेंस टी एक का डिफरेंस आर मतलब एक का डिफरेंस यहाँ पे क्या होना चाहिए पी होना चाहिए, अच्छा एक का डिफरेंस एन अरे वाह ओ का डिफरेंस एन एक का डिफरेंस मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए एल होना चाहिए, तो आपके सामने क्या आएगा पी एल इज द करेंट ऑप्शन, पी एल किस में देखिए क्या है कुछ ऑप्शन पी एल है हाँ फोर्थ ऑप्शन में पी एल है, देखिए अभी आपके सामने जस्ट मैंने सामने सॉल्व किया है आ गया ना, आप जब कोई भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आप उनको क्या करेंगे आप एबीसीडी देखेंगे पैटर्न में देखने की कोशिश करेंगे कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इस प्रकार इन क्वेश्चनों को किया जाता है। देखिए अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो रिलेटेड टफ क्वेश्चन था, मैं कह सकता हूँ हाँ रिलेटेड टफ क्वेश्चन था, मेरे ख्याल से लगभग इसे 70% बच्चों ने नहीं किया होगा 30% बच्चों ने किया होगा, क्या क्वेश्चन था देखिए लिखा था ए बी फिर था डैश फिर लिखा था ए
ए, उस पर लिखा हुआ था आपके सामने सी, उसके बाद लिखा था ए ए बी, उसके बाद लिखा हुआ था सी, फिर लिखा था दिख रहा है जब नहीं लिख रहा लगता है मैंने ज़्यादा बड़ा लिख दिया, देखिए मुझे माफ़ करिएगा मैं इसको इरेज करके छोटा छोटा लिखता हूँ। हाँ इधर पे लिखा हुआ था ए, लिखा दिख गया, हाँ दिख गया मतलब ए बी डैश ए ए, फिर ठीक है डैश, उसके बाद सी ए ए बी, फिर था डैश, फिर था सी, फिर था डैश, फिर ए बी, फिर था सी। अच्छा करना क्या है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। देखिए अपने को दिया हुआ है ए बी ए ए सी ए ए बी ए सी ए बी बी सी, कोशिश करते हैं क्या कुछ सिमेट्री दिख रही है, दिख रही, देखिए दो बार ये आ रहा है, दो बार ये आ रहा है, दो बार भी आ रहा है। अच्छा चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, दो बार आ रहा है, फिर एक बार बी है, यहाँ पर देखिए ए बी है, फिर यहाँ कुछ आएगा, फिर दो बार आया, यहाँ बी हो सकता है क्या, चलिए बी लिख देते हैं ठीक। अच्छा दो बार आ रहा है, यहाँ पर सी है, मतलब यहाँ पे कुछ होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर भी कुछ बी होगा, ठीक है ठीक। अच्छा यहाँ पर देखिए पहली बार एक बार आया, फिर दूसरी बार दो बार आया, फिर तीसरी बार दो बार आया, हो सकता है यहाँ पर फिर से आया हो, दो फिर से दो बार आया हो, दो बार बी भी है, देखिए यहाँ पर दो बार बी आया था, हो सकता है कि यहाँ पर दो बार बी है, इसका मतलब पहली बार दो बार बी आ चुका हो। अच्छा ए खत्म हो गया, बी खत्म हो गया, मतलब यहाँ पे कुछ होना चाहिए, मान लेते हैं सी हो गया। अच्छा ये सब इसमें से क्या होगा, देखिए हम पहली चीज लिख रहे हैं इन तीनों को मिला के ए बी डैश, ठीक हम देखिए जब मैंने पैटर्न खोजा तो मुझे लगा यार ए से सी तक, फिर ए से सी तक, फिर ए से सी तक, देखते हैं क्या चीज़ें बनती हैं। यहाँ पर डबल ए फिर बी डबल ए, यहाँ पर लिखा हुआ डैश, फिर लिखा है सी, फिर लिखा है डबल ए, फिर लिखा है यहाँ पर बी, फिर लिखा हुआ है डैश, फिर लिखा है सी, फिर उसने लिखा है डबल ए डबल ए डैश लिखा हुआ है, फिर ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर डैश लिखा है, फिर सी लिखा हुआ है। अच्छा चलिए हम इसको भरते हैं, यहाँ पे हम सी लिख दें क्या, चलिए सी लिख के देखते हैं ए बी सी। अच्छा डबल ए है, हमने बोला था हो सकता है यहाँ बी आ जाए, तो बी लिख के देखते हैं डबल ए फिर बी सी, फिर यहाँ आप देखिए हमने बी लिखा था वहाँ पे, यहाँ पे देखिए एक बार बी आया, एक बार बी आया, यहाँ पे दो बार बी रख देते हैं। अच्छा डबल ए यहाँ पे तीन बार आया था, हो सकता है यहाँ पे बी आ जाए, तो हमने तीसरी बार रख दिया, यहाँ पे डबल बी लिखा ही हुआ था, मतलब दो बार डबल बी है और एक बार डबल सी, इसका मतलब ये है उसने पहला बार पैटर्न देखी ए बी सी, फिर उसने दूसरी बार क्या लिखा एक ए को डबल कर दिया, फिर उसने तीसरी बार एक तीसरे स्टेप में बी को डबल किया, फिर चौथे स्टेप में बी को सी को डबल किया, तो इस प्रकार उसने पैटर्न में बनाया। तो आपके सामने क्या आएगा, आपके सामने आएगा यहाँ पर देखिए सी, फिर देखिए बी, फिर देखिए बी, फिर यहाँ पे आएगा ए, फिर ये आ जाएगा सी, तो सी बी बी ए सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी मैंने आपके सामने अभी जस्ट ही सॉल्व किया है, देखिए मैंने भी अभी फर्स्ट टाइम ही सॉल्व किया है, जस्ट सॉल्व किया हुआ है, तो आपके सामने इस प्रकार इस क्वेश्चन कर सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, मैं देखा यार ए से खत्म हो रहा है, तो एक काम करते हैं ए बी सी, ए बी सी के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, इसका मतलब ए बी सी लिखा होगा हर जगह, तो हमने देखा पैटर्न देख लिया ए बी सी होना चाहिए, डबल ए चलो ठीक है डबल ए को साथ ले लेते हैं, फिर बी सी लिखा हुआ है ठीक है, फिर इसने फिर से डबल ए लिखा हुआ, तो मैंने सबको अलग अलग कर दिया ए से सी तक, बार बार मैंने सबको अलग कर दिया, फिर वहाँ से पैटर्न ले लिया। देखिए ये था आपके सामने कंप्लीट डिस्कशन जूनियर डिवीजन के रीजनिंग के क्वेश्चन, आपके सामने पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, आप इनको सॉल्व करें, कॉपी में लिख लें, नेक्स्ट ईयर आपके सामने काम आ सकते हैं नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में, तब तक के लिए थैंक्स।